in this video i will discuss about evolution of microprocessor ठीक है द इवेल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली डिवाइडेड इन फाइव कैटेगरीज वो आपके कैसे होंगे बेसिकली फाइव टाइप्स में डिवाइडेड है जो टाइप्स है वो फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर एट बिट माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर सिक्सर थर्टी टू बिट प्रोसेसर एंड सिक्सटी फोर बिट प्रोसेसर तो सबसे पहले तो ये जो हमने लिखा है फोर बिट एट बिट सिक्सटीन बिट और थर्टी टू बिट और सिक्सटी फोर बिट वट इज द मीनिंग ऑफ दिस तो जो फोर बिट या एट बिट या थर्टी टू बिट या कुछ ऐसे जो भी नंबर होते हैं। इसका means होता है और अगर हमने लिखा कि फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर है मीन्स की नंबर ऑफ डेटा लाइन्स इसमें कितनी होगी फोर बिट की इसका वर्ड साइज क्या होगा फोर बिट का इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एट बिट माइक्रोप्रोसेसर तो डेटा साइज क्या होगी इसकी एट बिट डेटा साइज मीन्स की वर्ड साइज और दिस इज अट बिट प्रोसेसर मीन्स की नंबर ऑफ डेटा बस जो होंगी डेटा लाइन होंगी वो कितनी होंगी एट इन सेम वे अगर बिट प्रोसेसर है तो सिक्सटीन बिट प्रोसेसर में वर्ड साइज क्या होगा सिक्सटीन बिट का होगा ठीक तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फोर बिट एट बिट सिक्सटीन बिट इनका मतलब क्या होता है ठीक नाउ अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन फॉर फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर में हमारे टू माइक्रो प्रोसेसर थे एक था फोर जीरो जीरो फोर एंड सेकेंड वन इज फोर जीरो फोर जीरो जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था फोर बिट का दैट वाज इंटेल फोर जीरो जीरो फोर जो डेवलप्ड कब हुआ इंट्रोड्यूस कब हुआ इन नाइनटीन सेवेंटी वन किसके थ्रू बाय इंटेल इंटेल की कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया इन फोर जीरो और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई दैट वॉज पी मोस्ट टेक्नोलॉजी ठीक और ये जो आपका प्रोसेसर है दिस कैन एक्सेस सिक्स फोर्टी बाइट मेमोरी मीन्स की ये सिक्स फोर्टी बाइट की मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है रिमेम्बर माइक्रो प्रोसेसर में खुद की कोई मेमोरी नहीं होती वो एक मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करता है ठीक एंड इसका जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन था वो सिक्स थाउजेंड ऑपरेशन पर सेकेंड परफॉर्म करता था एंड नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें कितने टू थ्री जीरो जीरो टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक एंड जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव दिस प्रोसेसर इस प्रोसेसर के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो क्या है सेवन फिफ्टी किलो हर्ड्स ठीक अब इसका एडवांस वर्जन क्या था फोर जीरो फोर जीरो जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ बाई द इंड टेल ठीक है और जो अदर कंपनीज ने बिट के प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए वो थे पीपीएस फोर टी थ्री फोर सेवन टू ये दोनों जो थे ये अदर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए और इंटेल फोर जीरो जीरो फोर एंड फोर जीरो फोर जीरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इंटेल ठीक है टेगरी सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेसर टाइप ऑफ प्रोसेसर यहां पर हम डिस्कस करेंगे एट बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स की इस कैटेगरी में जितने भी प्रोसेसर आएंगे इनकी जो डेटा बस होगी उसकी डेटा लाइन्स कितने बिट की होगी एट बिट की वर्ड साइज क्या होगा एट बिट होगा ठीक और ये जो आपका ये रहा था जब ये आपके इंट्रोड्यूस हुए 1972 से 1976 ठीक है तो जो फर्स्ट एट बिट प्रोसेसर था वो था आपका 8002 फर्स्ट एट बिट प्रोसेसर इज इस 8008 इसमें अगेन पी टेक्नोलॉजी यूज हुई और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ इन 1972 बाय इंटेल इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने थे 3500 और ये जो मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करता है ये सिक्सटीन के मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करता है और जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो टू हंड्रेड किलो हर्ड्स है ठीक नाउ नेक्स्ट प्रोसेसर की एडवांस वर्जन ऑफ दिस वो था आपका एट जीरो जो इंट्रोड्यूस हुआ इन नाइन सेवेंटी फोर इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स क्या थे मेमोरी कैन बी दिस प्रोसेसर वो क्या है सिक्सटी फोर के बी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू मेगा हर्ड नेक्स्ट और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमें इस माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ना है इस सब्जेक्ट में पढ़ना है दैट वाज Now most important processor 8 bit processor is 8085. This is the advanced version of 8080. ठीक है? और ये हमें बहुत डिटेल पढ़ना है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंटेल इन 1976. इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने थे 6500. और ये कितनी मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करता है 64 फोर की बी को और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 मेगा ठीक है और अदर कंपनीज ने जो एटबिट के प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए वो थे एमसी सिक्स एट जीरो जीरो डायलॉग जेट एट्टी एंड जेड एट हंड्रेड दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर कंपनीज ठीक है नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेसर इज सिक्सटीन बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स की इसमें जो भी प्रोसेसर आई विल डिस्कस उसकी जो डेटा लाइन्स होंगी वो कितनी होंगी सिक्सटीन बिट की ठीक है फर्स्ट था एट इंट्रोड्यूस हुआ इन नाइनटीन सेवेंटी एट बाई नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ये भी हमें डिटेल्स डिटेल में पढ़ना है एट जीरो एट सिक्स मेमोरी एक्सेस्ड बाय दिस प्रोसेसर इज वन एम एंड फ्रीक्वेंसी क्या है रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली फाइव मेगा हट फोर पॉइंट सेवन सेवन और यू कैन राइट फाइव मेगा हट ठीक एडवांस वर्जन ऑफ दिस इज एट जीरो एट एट यह इंट्रोड्यूस हुआ इन नाइनटीन सेवनटी नाइन यह आपका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है एट जीरो एट सिक्स की तरह और इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि यू कैन यूज एट बिथ डेटा और यू कैन यूज सिक्सटीन बिथ डेटा ठीक है इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सेम टू ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सेम मेमोरी एक्सेस को प्रोवाइड करता है वन एम बी और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है एट मेगा नेक्स्ट सिक्सटीन बिट प्रोसेसर इज एट जीरो टू एट सिक्स इन 1982 ठीक है इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड है एंड ये मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड करता है टू सिक्सटीन मेगा बाइट सिक्सटीन मेगा बाइट को एक्सेस प्रोवाइड करता है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एट मेगा ठीक है थर्टी टू बिट माइक्रोप्रोसेसर थर्टी टू बिट माइक्रोपोसे की जब हम बात करेंगे मीन्स की डेटा लाइन कितनी होंगी थर्टी टू डेटा लाइन होंगी व्हाट इज द वर्ड साइज ऑफ थर्टी टू बिट प्रोसेसर वर्ड साइज इज थर्टी टू बिट मीन्स की वो थर्टी टू बिट की डेटा को ट्रांसफर करेगा थ्रू डेटा पैस ठीक जो फर्स्ट था दैट वॉज एट जीरो थ्री एट सिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाई इंटेल इन 1985 इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने थे टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और ये मेमोरी जिस मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करता है उसकी आपकी मेमोरी साइज क्या है फोर जीबी और फ्रीक्वेंसी क्या है सिक्सटीन मेगा हट ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांस एडवांस वर्जन है 80486 ये इंट्रोड्यूस हुआ इन 1989 इसमें आपके ट्रांजिस्टर्स होंगे 1.2 मिलियन और इसकी मेमोरी साइज भी फोर जी है

रिड्यूस होगा मीन्स की स्पीड इसकी इंक्रीज होगी ठीक है नेक्स्ट है पेंटियम प्रो पेंटियम प्रो कब आया 1995 में इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने थे 5.5 मिलियन एंड इसकी मेमोरी साइज विच कैन बी एक्सेस बाय दिस प्रोसेसर इज 64 जीबी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड थी वो 150 फिफ्टी नाउ लास्ट कैटेगरी लास्ट कैटेगरी और लास्ट टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज सिक्सटी फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर सिक्सटी फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर है मीन्स की जो डेटा बस होगी उसमें डेटा लेंस कितनी होंगी सिक्सटी फोर होंगी और जो वर्ड साइज ऑफ दिस प्रोसेसर होगा वो सिक्सटी फोर बिट का होगा मीन्स की जो भी डेटा होगा ट्रांसफर होगा वो सिक्सटी फोर बिट में ट्रांसफर होगा ठीक इसमें आपके जो फर्स्ट था दैट इज पेंटीएम टू इंटेल के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन नाइनटीन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 8.8 एट मिलियन और ये मेमोरी एक्सेस कितनी कर सकता है सिक्सटी फोर जीबी की रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है टू थ्री थ्री मेगा नेक्स्ट इज पेंटियम थ्री इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन नाइन और इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने हैं नाइन पॉइंट फाइव मेगा और मेमोरी विच कैन बी एक्सेस बाई दिस प्रोसेसर इज सिक्सटी फोर जीबी और फ्रीक्वेंसी क्या है सिक्स फिफ्टी मेगा एंड 64 बिट का ही नेक्स्ट प्रोसेसर कौन सा है पेंटियम 4 जो इंट्रोड्यूस हुआ इन 2000 और इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने फोर्टी टू मिलियंस मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड करता है कितने को 64 फोर जीबी को और इसके लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज वन पॉइंट फोर गीगा हर्ड्स ठीक और नेक्स्ट इंटेल मीन्स की एडवांस वर्जन ऑफ पेंटियम फोर इंट्रोड्यूस हुआ इन टू थाउजेंड फाइव और ये आपका जो इंटेल के थ्रू डेवलप हुआ दिस इज फर्स्ट डेस्कटॉप डुएल कोर प्रोसेसर डुएल कोर प्रोसेसर मींस कि एक चिप पर ही हमारे दो प्रोसेसर होंगे और दिस इज नोन एज पेंटियम डी पेंटियम डी डी फॉर ठीक है आफ्टर दिस इंट्रोड्यूस हुआ आई थ्री आई फाइव एंड लेटेवन आई सेवन वॉज इंट्रोड्यूस इन टू एंड लेटेस्ट प्रोसेसर डेवलप्ड बाई इंट्रोड्यूस बाई इंटेल इज आई नाइन nine introduced in in two thousand.